Today, I'm going to our important topic, that is model of the solar system. You have already learned that the model of solar system from previous classes in SST geography or in science. ये दोनों बातें आप लोग पढ़ करके आए होंगे. आज मैं चर्चा करता हूं हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम. एक प्रोवर्ब है, कहावत है, और वो आपको बचपन से लोग सुनाते होंगे, बोलते होंगे, वो है क्या, इस बात को समझिए. देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस एंड नो अनक्वेश्चन ऑथोरिटी अमंग साइंटिस्ट. ये आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 2 पर लिखा हुआ है. एनसीईआरटी राइट बुक फिजिक्स है, पेज 2 पर है. पेज 2 फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर 1 पर. अब इस बात को कैसे समझेंगे कि देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस. साइंस में कोई फाइनल रिजल्ट होता ही नहीं है. अब इसको ये स्टोरी आप कैसे समझिएगा. सपोज दैट एफ इक्वल टू एम ए, ये आप फार्मूला पढ़ करके आए होंगे फ्रॉम नाइन्थ क्लास. नाइन्थ क्लास में आप पढ़े होंगे राइट. अच्छा, और एक और फार्मूला पढ़े होंगे आप, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. क्या ये फार्मूला, लाइट कहीं से आ रही है एक मिनट जस्ट. लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, डोंट वरी, हमने ऑर्डर कर दिया है 25 जून तक आ जाएगा. तो हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर. ये फार्मूला आप नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे. ये फार्मूला क्या, ये फार्मूला हमारा फाइनल है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए ये फार्मूला लागू होगा. और पता है इस फार्मूला के लिए तो यूनिवर्सल लॉ नहीं लिखा है, यूनिवर्सल नहीं लिखा, लेकिन 11th क्लास की बुक में और 9th क्लास के बुक में ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को आप पढ़े होंगे. क्या, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. 9th क्लास की किताब हमारे पास तो अभी है नहीं. हाँ, ये 9th की नहीं है, 11th क्लास की बुक. आप इसको देखिएगा, आपका चैप्टर जो है लास्ट चैप्टर होना चाहिए ये फर्स्ट वॉल्यूम का, चैप्टर 8, 11th क्लास के चैप्टर 8th में चैप्टर जो ग्रेविटेशन चैप्टर है उसमें इस लॉ को क्या डिक्लेयर कर दिया है, यूनिवर्सल लॉ. यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या हुआ, सभी जगह लागू होगा, आकाश में भी होगा, ऑल सेलेस्टियल बॉडीज, वाटर में भी होगा, एक्वेटिक बॉडीज, सभी जगह ये लागू होगा. ये कहना है एनसीईआरटी बुक को, ये आज के वैज्ञानिकों को, कि इस लॉ को यूनिवर्सल कर दिया जाए.
क्या पता कि ये यूनिवर्सल लॉ कल नहीं रहे, हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं उसमें लागू हो रहा। ये तो यूनिवर्स है, आजकल तो ये भी बात चली रही है कि एंटी यूनिवर्स भी होगा। हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं उसके अपोजिट भी कोई दूसरा यूनिवर्स है, बात को समझिए। अब हो सकता है कि वहां एक फॉर्मूला लागू नहीं हो, क्योंकि विज्ञान में एक फाइनल थ्योरी नहीं है, फाइनल थ्योरी नहीं है, बात को समझिए। अननो अनक्वेश्चन अथॉरिटी अमंग द साइंटिस्ट, इसका मतलब यह है कि हर साइंटिस्ट का अपना अलग अलग व्यू हो सकता है। अपना अपना व्यू हो सकता है, बातें समझिए, कि वो अपने व्यू अपने हिसाब से अपने सेंस से वो थ्योरी दिए हो। इसी बात पर आपके एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 2 पर है और इसमें चर्चा भी है, प्लानिटरी मोशन, प्लैनेट के बारे में बताया है, चर्चा हुई है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बातें बात में थोड़ी सी बात एक बार और डायलॉग बोल देता हूं। आज हम बुक उल्टा रहे थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, भाई उसमें भी ये चैप्टर है कि नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड वो नहीं लिखा है, चैप्टर ही नहीं लिखा, पता नहीं प्राइवेट किताब वाले लिखता या नहीं लिखता है, हमारे पास तो बुक है नहीं, मैं तो एनसीईआरटी की बात करता हूँ। अच्छा, अब एक बात आई है, यहाँ देखिएगा हेलियोसेंट्रिक वर्ड आया है। अब फाइनल जर्नी क्यों नहीं है, फाइनल थ्योरी साइंस में क्यों नहीं है, इसी पर एनसीईआरटी किताब ने लिखा है। और क्या लिखा है, बातों को समझिए। ये हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है, फ्रॉम 6th-7th क्लास से भी बातें आई हैं, और नाम याद नहीं आ रहा है उस वैज्ञानिक का, शायद गैलीलियो गैलीली है, शायद वही हैं एथेंस के रहने वाले। अपने राजा को उन्होंने कह दिया कि अर्थ तो फ्लैट है, अर्थ इज नॉट स्फेरिकल। उन राजा लोगों का कहना था, वहां के चर्च लोगों का कहना था, क्या है कि अर्थ क्या है, फ्लैट है। ईसाई जो क्राइस्ट लोग थे, जो रिलीजियस लोग थे, जो धार्मिक लोग थे, जो बाइबल पर भरोसा करते थे, उसने क्या कहा, ध्यान सुनिए, उसने कहा कि अर्थ क्या है, फ्लैट। स्फेरिकल नहीं है। और हम जो है सन के चारों तरफ नहीं घूमते हैं, बल्कि सन हमारे चारों तरफ घूमती है, यानी सन को उन्होंने मोशन में बता दी। अब गैलीलियो गैलीली यही साइंटिस्ट है जिनको मार भी दिया, सिर्फ ये कहने के लिए कि नहीं, अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ क्या है, स्फेरिकल है, अर्थ क्या है, स्फेरिकल। और हम सन के चारों तरफ घूमते हैं, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, और सन जहां है वही है, अर्थ इज एट, अर्थ इज इन मोशन एंड सन इज एट रेस्ट, बातें समझ। तो शुरू में क्या है, बाद में क्या है, फाइनल नहीं है, उसके पीछे कारण क्या है, देखिए
जोहान्स केपलर, केपलर्स लॉ आपको हम पढ़ाएंगे, बातों को समझिए। केपलर्स लॉ आपको इसी चैप्टर 8 में पढ़ना है। तो जोहान्स केपलर पीरियड देखिए 1571 से 1630, और इन्होंने क्या किया, एग्जामिन्ड द एक्सटेंसिव डाटा ऑन प्लानिटरी मोशन। प्लानिटरी मोशन आपके बुक में है, इस बात को आप नोट भी कर लीजिए, और ये लाइन मैंने एनसीईआरटी से ही लिखा है। प्लानिटरी मोशन का मतलब जो जितने भी प्लेनेट है, 9 आपको प्लेनेट्स है, उसके मोशन का डाटा कलेक्ट किया किसने, टेको ब्राहे, ये साइंटिस्ट है, ये 1546 और 1601 इनका अपना पीरियड है, मतलब लाइफ स्पॉन है इनका, लाइफ स्पॉन तो नहीं कर सकते हैं, वो एवरेज निकलता है, इनका अपना एज है कि इतने में इतने से इतने तक अपना जिंदा रहे हैं मरे, राइट। तो प्लानिटरी मोशन ये आपका सन है, और टेको ब्राहे ने कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट यानी सन सेंटर पर है, और सर्कुलर ऑर्बिट स्पेस नहीं है, 9 प्लेनेट बनेगा, अब ध्यान रखिएगा सन है, इसके बाद एक क्रम से 9 प्लेनेट्स हैं। ये प्लेनेट्स के बारे में आपसे इस क्लास में पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, है ना, वहां पर हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो उन्होंने टेको ब्राहे ने एक डाटा बनाया हर प्लेनेट्स का, ईच एंड एवरी प्लेनेट्स, जो भी प्लेनेट है, क्या डाटा बनाए होंगे, इन्होंने एनसीईआरटी से स्वीकृत कार्ड प्लेनेटरी मोशन कलेक्टेड बाय टेको ब्राहे। तो टेको ब्राहे ने अपना डाटा बनाया होगा कि ये फर्स्ट प्लेनेट है, सेकेंड है, थर्ड में हम आते हैं अर्थ, ठीक, भाई अर्थ का रोटेशन क्या है, कितने दिन में ये सन को घूम जाती है, अपना क्या है, क्या क्या लिखा होगा, टाइम डाटा बनाया होगा, टाइम ऑफ रोटेशन या रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जिसको आप बोलते हैं, इसके बाद ये स्पीड लिखा होगा, इसके बाद डे लिखा होगा, क्या क्या यही ना डाटा होगा, यही डाटा होगा। इस डाटा को किसने बनाया, टेको ब्राहे, याद रखना, और टेको ब्राहे ने क्या दिया, सर्कुलर ऑर्बिट, और उसने कहा कि इन हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ध्यान रखिएगा, यही हेडिंग देंगे हम इसका, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, इसका मतलब क्या होता है, हेलियो, ध्यान दीजिएगा, हेलियो, इसके दो वर्ड है, हेलियो, इसका मतलब होता है सन, हेलियो मीन सन, असेंट्रिक मीन सेंटर, यानी प्लेनेट्स जो है वह सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, रोटेशन करता है, घूमता है, और सन क्या है, सेंटर है, ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी या हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम, सन एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इसको इमेजिन किया था, इमेजिन बाय निकोलस कोपरनिकस, ध्यान दीजिएगा, इमेजिन यानी कल्पना किया था बाय निकोलस कोपरनिकस, ध्यान रखिएगा, कोपरनिकस ये आपका कितना है यार, 1473 से लेकर
1543 याद रखिएगा। तो सबसे पहले कॉपरनिकस की भूमिका है, रोल है कॉपरनिकस, बातें समझिए। कॉपरनिकस ने इमेजिन किया, निकोलस कॉपरनिकस याद रखिएगा, इमेजिन किया हेलियोसेंट्रिक के बारे में, ठीक उल्टा चलिए हेलियोसेंट्रिक, और हेलियोसेंट्रिक में सर्कुलर ऑर्बिट की बात, और डाटा कलेक्ट किया किसने, टेके ब्राहे ने, और उस टेके ब्राहे के डाटा का एक्सप्लेनेशन किसने किया, केपलर ने। और फाइनली केपलर ने कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है। देखिए साइंस में कोई फाइनल थ्योरी है, बदल रहा है। केपलर ने कहा कि क्या है, इलिप्टिकल मॉडल है। अब सोलर सिस्टम को आप देखते हुएगा सन यहां है, छोटे क्लास में बच्चों में पढ़ाई जाती है, ये आपका इलिप्टिकल मॉडल है, इलिप्टिकल पाथ इसको कहेंगे, इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ पर हर प्लेनेट जो है ना घूमता है, लेकिन अभी भी हेलियोसेंट्रिक मॉडल ही तो है, यानी सन ए क्या है एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, राइट, और सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट हट गया, जिस बात की चर्चा थी कि सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट हट गया, क्या बन गया, इलिप्टिकल पाथ बन गया, राइट। तो थ्योरी बदलते रहता है, साइंस में कोई फाइनल नहीं है। आप ही लोगों में से कोई ऐसे होंगे कि कल न्यूटन के थर्ड लॉ को फेल कर देंगे, एंड अब आप बायोलॉजी में पढ़ते होंगे, बायोलॉजी में फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको मानते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल 10th क्लास में पढ़े, उन्हें बी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने कहा कि कुछ फैक्टर है जो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर करता है कैरेक्टर को, डो कर ले जाता है, और आज वो पता चला कि नहीं कि वो तो जीन है। बेटसन ने उसको 1905 में उन्होंने थ्योरी दिया। तो पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाया गया, अब मोलेकुलर थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स का भी दो पार्ट बना दिए, क्लासिकल जेनेटिक्स एंड मोलेकुलर जेनेटिक्स। जैसे फिजिक्स में आप आगे हम पढ़ाएंगे आपको न्यूटोनियन फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स, तो ये कैसे डेवलप हुआ है, ये साइंस की एक फाइनल जर्नी नहीं है कि यही बात हमारी है तो यही रहेगा, नहीं। अब कोरोना वायरस अभी चल रहा है, कोई ये वैक्सीन कोई वही वैक्सीन का खोज हो रहा है, कोरोना वायरस म्यूटेंट निकल रहा है, म्यूटेंट निकल रहा है, तो क्या बात बनेगी, तो फिर दूसरे तरीके का वैक्सीन आएगा। तो साइंस में कोई परमानेंट चीज नहीं है, बदलते रहता। आप लोग जीनियस हैं, स्टूडेंट्स जीनियस होता है, और ये स्टूडेंट अगर जीनियस है तो हो सकता है आप ही लोगों में से कि आइंस्टीन की थ्योरी को आप फ्लप कर दीजिएगा, यानी कि ये बात तो नहीं है। अब आइंस्टीन की सबसे बड़ी चीज क्या है, ये पढ़े होइएगा E=mc²। अभी तक ये बात माने, आने वाले समय में हो सकता है कि ये कोई ब्रेक कर दे आप ही लोगों में से। तो साइंस में यह देर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस, साइंस में कोई फाइनल थ्योरी नहीं, और फिर यह बात नहीं कि उस थ्योरी को सभी साइंटिस्ट माने एक्सेप्ट करें कि यह सही है, सबका अलग अलग हो सकता है। पीरियोडिक टेबल आप पढ़ें,
टेंथ क्लास में पीरियोडिक टेबल, तो कोई ट्रायड लॉ दिया है, तो कोई ऑक्टेव लॉ दिया है, मॉसले का है। आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। तो पहले उसका क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास पर हुआ, आज वो एटॉमिक नंबर पर है। तो कोई फाइनल जर्नी नहीं है, फाइनल थ्योरी नहीं है, फाइनल फार्मूला नहीं है साइंस में। हम आगे के टॉपिक पर आपको चर्चा करेंगे कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, और इसी पेज नंबर 2 पर ही अभी चल रहे हैं, और आगे के लेक्चर में हम इस पर। तब तक आप थोड़ी सी एक बात नोट कर लीजिए, थोड़ा पढ़ करके आप आइएगा तो बात समझ में आएगा, नहीं बात। अब हम लेक्चर बहुत जल्दी बना देंगे। इसमें होता क्या है कि बायो का एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि बहुत पीछे चल रहे हैं, और एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करना बड़ा डिफिकल्ट जॉब है। डिफरेंस इन बिटवीन, लिख लीजिएगा डिफरेंस इन बिटवीन न्यूटोनियन फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। न्यूटोनियन फिजिक्स के बदले आप क्लासिकल फिजिक्स भी लिख सकते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, राइट। इस बात को पढ़ करके रहिएगा तो मुझे थोड़ा सा पढ़ाने में आसानी होगी, आप बात को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिएगा राइट द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और वेव थ्योरी ऑफ लाइट लिखिए। यहां पर भी न्यूटन साहब आपके खड़े हैं, न्यूटन्स कॉर्पसल्स थ्योरी ऑफ लाइट। थोड़ा सा इसको देख, कॉर्पसल्स थ्योरी या कॉर्पस कुलर थ्योरी भी टेंथ क्लास के बुक में भी है और 12th क्लास के बुक में, लेकिन आप टाइप कर लीजिएगा वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड न्यूटन्स महोदय का जो कॉर्पसल्स थ्योरी है वो लाइट, ये दोनों को, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और ये है आपका 3rd क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन को आप थोड़ा सा गूगल से टाइप करके याद करके रखिएगा तो मुझे समझाने में आसानी होगी, ठीक है। धन्यवाद।